वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमन अंसारी, आप सभी लोगों का कार्तिक आर्यन की फिल्म सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म भूल भुलैया द्वितीय के डे नंबर 11 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई, भूल भुलैया इज नॉन स्टॉप, भूल भुलैया रुकेगा नहीं साला, भूल भुलैया इज डिफाइंग ऑल ऑड्स एंड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मिडिल सेंटर लेफ्ट एंड राइट, भूल भुलैया इज स्मैशिंग एवरीथिंग पॉसिबल। क्योंकि गाइस भूल भुलैया के सामने केवल एक ही ऑब्स्ट्रक्शन है, वो है नारायण सम्राट पृथ्वीराज, विक्रम एंड मेजर। ध्यान से सुनिएगा, केवल नाम के लिए ही हिंदी में रिलीज हो रही है। यस, विक्रम विल बी अ ब्लॉकबस्टर इन तमिलनाडु एस्पेशली चेन्नई, मेजर विल बी अ सुपर डुपर हिट इन आंध्र प्रदेश तेलंगाना एस्पेशली हैदराबाद। लेकिन हिंदी के नाम पर इनकी एडवांस बुकिंग क्या दूर दूर तक शोज तक नहीं खुले हैं। पता नहीं क्यों फॉर्मेलिटी के लिए पैन इंडिया नाम लगाया जाता है, ये गाइस सबसे दुखद बात है। बात करो पृथ्वीराज की तो वही इसके सामने एक ऑब्स्ट्रक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, भूल भुलैया इज गोना डू क्रेजी नंबर्स। मैं क्यों इतनी बातें कर रहा हूँ, चलो आज के एपिसोड में डिस्कस करते हैं विद मैजिकल फिगर्स। एंड गाइस, जो अनेक लुड़की है उसका सबसे बड़ा फायदा भूल भुलैया को हुआ है। संडे, जस्ट इमेजिन, ये लॉजिक है, कॉमन सेंस। जितने लोग ट्रेड फॉलो करते हैं, जितने लोग अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फॉलो करते हैं, उनको पता है कि द हाईएस्ट नंबर ऑफ शोज किसी भी फिल्म को अगर मिलता है तो वो संडे होता है। फ्राइडे जो शोज रहते हैं, अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई, सुपर हिट हुई, सामने वाली फिल्म लुड़की, तो संडे को उसका मैक्सिमम शोज होते हैं। भूल भुलैया 2 रिवर्स कर रहे बाबा, कैसे? ध्यान से सुनो, मुंबई संडे भूल भुलैया द्वितीय 651 शोज, मंडे बात करूं भूल भुलैया द्वितीय 678। ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है किस फिल्म के ट्रेंडिंग के लिए। पुष्पा के टाइम देखा था, या कश्मीर फाइल्स के लिए देखा था। बात करूं दिल्ली एनसीआर संडे 733 शोज, मुंबई बॉन मंडे, बात करूं मंडे को दिल्ली एनसीआर 779 शोज, यानी कि लगभग 40 शोज दिल्ली एनसीआर ने बढ़ा दिए है। लुक एट बैंगलोर, बैंगलोर संडे को 155 शोज, मंडे को 161 शोज। बात करो हैदराबाद की, संडे 110, मंडे 113। कोलकाता संडे 187, मंडे 189। लुक एट जयपुर, संडे 133, मंडे 146। दीज आर क्रेजी नंबर्स। संडे से ज्यादा मंडे को शोज है एंड मंडे से ज्यादा ट्यूजडे को शोज है। दीज आर क्रेजी थिंग्स हैपनिंग इन भूल भुलैया 2। एंड कल सुबह के एपिसोड में आपसे कहा था कि फ्राइडे 6.52 करोड़ है, देन गाइस मंडे डेफिनेटली 5.5 करोड़ कमाएगी ये फिल्म। ब्रेस योरसेल्फ्स, भूल भुलैया शोइंग एब्सोल्युटली मिनिमलिस्टिक ड्रॉप, हैज अर्न 5.55 करोड़ ऑन द 11th डे। याद है हम भूल भुलैया की एडवांस बुकिंग डिस्कस कर रहे थे, तभी मैंने आपको कहा था कि मंडे फिल्म रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म की सक्सेस पार्टी जो है वो प्लान कर दी गई है। कल रात को इस फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई, राजपाल यादव आए, मिलिंद गुना जी आए, संजय मिश्रा आए, तब्बू जी आए, वहां पर सारे के सारे लोग, वो लोग जो इस फिल्म के सक्सेस का असली हकदार है, पूरी स्टाक का इसको सक्सेस पार्टी में आते हुए देखा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आज के जमाने में अगर आपके फिल्म में 3 हीरो है तो भैया एक ही मेन जो हीरो है वो अपने प्रमोशंस में निकल जाते हैं, सक्सेस पार्टी होती है तो भैया वो ही जाकर खड़ा हो जाता है कि भाई जो मैंने किया है, मैं हूँ इस पिक्चर का हीरो, बाकी सब शटर वटर है बाबा। लेकिन कल बहुत अच्छा लगा, कार्तिक आर्यन डाउन टू अर्थ नेचर दैट गाय हैज, राजपाल यादव को बीच में खड़ा किया, तब्बू जी को बाजू में यहाँ पे खड़ा किया, राजपाल यादव को गोद में उठा लिया, इतनी इज्जत दिया उनको कल। दिस इज द साइंस ऑफ फ्यूचर सुपरस्टार, वे कार्तिक आर्यन बनते हुए दिखाई दे रहा है। कल पार्टी हुई, कैसा लगा? अच्छा लगा ना, ऑर्गेनिक पार्टी हुई, फिल्म वाकई में सक्सेस हुई। अच्छा लगा देखकर कि भूल भुलैया ने चौथे दिन पार्टी नहीं रखी बल्कि अपने 11वें दिन के बाद पार्टी रखी। मैं चाहता हूं इंडस्ट्री में ऐसे ही ऑर्गेनिक पार्टीज हो, ना ही कि उस तरह 55,000 मिलियन व्यू ब्लॉकबस्टर मैन थ्रो द पार्टी मेक द पब्लिक फूल मंकी, ये ऐसा पार्टी नहीं होती मेरा भाई। फर्स्ट डे हाउ मच 3 करोड़, सेकंड डे 3.5, संडे हाउ मच 4, चल दारू खोल गणपत, चल दारू ला, आज सोडा, आज ज्यादा सोडा, थोड़ा पानी मिला सर। लेकिन फिल्म का बजट 100 करोड़, व्हाट द फक मैन, कीप द पार्टी मैन, गो कीप द पार्टी, ये नहीं होता मेरा भाई। यू हैव अ सक्सेसफुल फिल्म देन यू थ्रो अ पार्टी, अपार्ट फ्रॉम दैट तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। पब्लिक अभी मामू नहीं है जो बेवकूफ बन जाएगी। एंड इसी के साथ भूल भुलैया 2 11 दिन में 128.24 करोड़, 128.24 करोड़ बीटिंग बिग फिल्म्स
रुस्तम, राजी, रेडी, जब तक है जान, बाहुबली वन, जॉली एलएलबी, बाला, रामलीला, जय हो, ट्यूबलाइट, अग्निपथ, गजनी, सारी फिल्मों को बीट कर दिया है 128.24 करोड़ रुपीज कमाकर। एंड अभी एज वी टॉक भूलभुलैया 2 हैज बीटन गंगूबाई काठियावाड़ी 129.10 करोड़ वॉज गंगूबाई काठियावाड़ी कलेक्शन एंड भूलभुलैया द्वितीय 128.24 करोड़ और ब्लॉकबस्टर 128.24 करोड़ का ग्रॉस करूं तो वो होता है 152.67 यानी कि 1.52.67 करोड़ ओवरसीज फिगर रिवाइज हुआ है। ओवरसीज इस फिल्म ने 28.35 यानी कि 28.35 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्फ्स 181.02 करोड़। यस फ्रेंड्स, भूलभुलैया 2 ने 11 दिन में 181.02 करोड़ यानी कि 181.02 करोड़ कमाए थे। जो मैं बोलता हूँ वो होने वाला है। जब मैंने दूसरे दिन यू नो बताया था कि फिल्म 200 करोड़ जाएगी, पीपल आर लाइक अरे भैया सपने अच्छे देखते हो, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर जीते जागते दिन में मत देखिए। सपने वही देखते हैं यू नो, जो हिम्मत रखते हैं वही सपने देखते हैं, ये गाइस उन्हीं लोगों के सपने जो है पूरे होते हैं। आई न्यू दिस फिल्म विल बैंग इट, सीरियसली। जब मैं इंटरनल में बाहर निकला, आई न्यू दिस इज बनानास, बॉन्कर्स, पब्लिक हंसेगी डरेगी, मजा आने वाला है फिल्म के लिए। एंड गाइस, यहां पर मैं चाहता हूं आने वाले जितनी भी फिल्में हैं वो हमको इसी तरह से सरप्राइज करे कि हमारा जितना भी जो परसेप्शन है कि ये नहीं चलेगी, वो हमको गलत साबित करके ही बोले कि नहीं, हमारे फिल्म में दम है, हम चलेंगे। एंड इसी के साथ 11 दिनों में भूलभुलैया 181.02 करोड़ कमाने में कामयाब होती है। तो आज से ये फिल्म कहां जा रही है, डे 12 5 करोड़, डे 13 4.5, डे 14 4, मैं और इस फिल्म को इस हफ्ते 13.5 करोड़ यानी कि 13.50 करोड़ कमाते हुए देखता हूं। और इसी के साथ 14 दिनों में, दो हफ्ते में भूलभुलैया द्वितीय 141 से लेकर 142 करोड़ जाकर बड़ी बड़ी फिल्मों के जो रिकॉर्ड्स है वो दो हफ्ते में तोड़ देगी। एंड मेजर एंड विक्रम से कोई उम्मीदें मत रखिए हिंदी लैंग्वेज में, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन, दे विल डिसअपॉइंट मैसिवली। यस, मेजर इज अ फैंटास्टिक फिल्म, विक्रम इज अ फैंटास्टिक फिल्म, मगर आप इस तरह से अपनी फिल्में नहीं लेकर आते हो पैन इंडिया लेवल पर कि ट्यूजडे ऑलमोस्ट अदा हो चुका है एंड एडवांस बुकिंग नहीं खुली आपकी। व्हाट इज द मेन पर्पस एंड उद्देश्य ऑफ ब्रिंगिंग योर फिल्म मैन हिंदी में, जब आपको एडवांस बुकिंग ही नहीं खोलनी है इस फिल्म की? हम लोग यहाँ पे जान सुखाते हैं, अपना गला सुखाते हैं पैन इंडिया पैन इंडिया पैन इंडिया बोलकर, और आप जो एडवांस बुकिंग खोलने का वक्त है तुम लोग पैन लेके सब हमारे सर पे मार देते उठाकर। सर नहीं चलता मेरा भाई, पृथ्वीराज ने एडवांस बुकिंग खोल दी अपनी, वही भूलभुलैया 2 के सामने टक्कर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अनेक, टॉमी क्रूज, ये कोई पिक्चर चलने वाली नहीं है यहाँ पर। इस भूलभुलैया 2 शो ऑल द वे, एंड अगर पृथ्वीराज लुड़की देन भूलभुलैया 2 विल टच 200 करोड़ एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस, साइन चिल्ड्रन डन। पृथ्वीराज अगर चली तो भूलभुलैया 165 to 170 करोड़ अपना लाइफ टाइम खत्म करेगी। साइन चिल्ड्रन डन, स्टे कूल मैन।